नागिन आज अपनी शक्तियाँ त्यागना चाहती है। आप मेरी सारी शक्तियाँ ले लीजिए। कमजोर कैसे हो सकती है? भूल गई? पिता हूं मैं तेरा। इतनी कमजोर कैसे हो सकती है तू? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, मुझे देख, हम दोनों को देख। हाँ, जब हमने अपने हार नहीं मानी तो तू अपनी हार कैसे मान सकती है? जीतना सीख। किस प्रांत ने तुझे जीते जी मार डाला? तू उसमें मर रही है। देशा उठ, तू मेरी बेटी है और दर्द देने वाले को इतना दर्द दे कि वो टूट के बिखर जाए। चेतन जी मर जाए। सही कहा माँ। हाँ, प्रार्थना ने मुझे बहुत तड़पाया है, पर अब देखना, अब तड़पने की बारी उसकी है। हाँ, अब देखना प्रार्थना, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ दर्द देती हूँ। तू अपने धोखे का हिसाब ले और मैं अपने धोखे का हिसाब लूंगी, क्योंकि किसी ने मुझे भी धोखा दिया है। मैं धोखे को मार डालूंगी। सॉरी जी, ये गलती से आपके पास आ गया। आपका नाम क्या है जी? मैं कौर है जी। हम तो आपके दिल में रहते हैं। पर हमारा दिल तो आपके पास है जी। रुक जाइए, प्रार्थना। मैं जानती हूँ कि मेहर तुम्हारी बेटी है, पर मेरे रब दी मेहर मेरी कोख खाली थी। जब यमुना ने इसे मेरे दामन में डाल दिया, इतनी सी थी, इसे पालते पालते हम खुद पल गए। अगर ये नहीं होती तो हमारे ही जाते, हमारी जिंदगी बन गई, अपनी जिंदगी सौंप के जा रहे हैं। हाँ प्रार्थना, इसे खाने में पराठे बहुत पसंद है, और पुलाव और मटर पनीर और दही बड़े और जलेबी तो इसकी फेवरेट। करेले बिल्कुल नहीं खाती, टिंडे तो हम घर में लाते ही नहीं। मुजीत। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों मुझको छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मुझको भी साथ लेके चलो ना। हमारा जितना साथ था तेरे साथ पूरा हो चुका, अब तुम इनके साथ रहोगी, क्योंकि यही तुम्हारे सगे माँ बाप हैं, प्रार्थना जी और रघु जी।
नहीं पापा जी, मुझे आप दोनों के साथ रहना है। मुझे भी साथ लेके चलो। मेहर बेटा, आपको आपके माँ बाबा से कोई अलग नहीं करेगा। हाँ बेटा, आपको जिनके साथ रहना है आप उन्हीं के साथ रहोगे। पर मुझे तो आप सबके साथ रहना है। हम सब तो है ही ना आपके साथ, पर सब साथ कैसे रह सकते हैं? तुम्हें बचपन में खोने के बाद एक औलाद को खोने का दर्द जानती हूँ मैं बेटा। जो मेरे साथ गुजरी है वो मैं इनके साथ कैसे कर सकती हूँ? ओ एग्नी स्वीट आंटी, क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? रिश्ता बहुत यूनिक होता है, वो दोनों एक दूसरे की हार्ट बीट होती है। मुझे अचानक से यहाँ पे क्यों बुलाया? हाँ सुवर्णा, तुमने हमारे लिए बहुत त्याग किया, तुमने हमारे लिए अपनी शक्तियाँ त्याग दी। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। रघु, मैं कैसे नहीं होती? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। बहन हूँ मैं तुम्हारी, और ये भाई बहन का रिश्ता, भाई के परिवार के रिश्ते के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। सुवर्णा, एक नागिन की सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्तियाँ होती है। आज तुमने जो खोया था वो तुम्हें वापस मिल जाएगा, फिर तुम अपने असली रूप में आ पाओगी। मैं कुछ समझी नहीं। स्वर्णा, तुम एक नागिन हो और तुमने अपनी शक्तियाँ मेरे लिए त्यागी थी, आज तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी। कैसा हो सकता है? हो सकता है, यदि शेषनाग और शेषनागिन एक साथ आए तो वो एक नागिन को उसकी खोई हुई शक्तियाँ वापस लौटा सकते हैं। हाँ सुवर्णा, आज फिर तुम अपना हक वापस हासिल करोगे, आज फिर तुम नागिन बनोगे। रघु, प्रार्थना। अब वक्त फिर करवट लेगा और सब कुछ पहले जैसा होगा। लेकिन नियति की किताब का कौन सा पन्ना कब पलटेगा और उस पर क्या लिखा होगा, ये कोई नहीं जानता। ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? कोई दिख भी नहीं रहा, कहाँ चले गए सब? ये तो पूर्विका की रोने की आवाज है। पूर्विका? पूर्विका? ये है का? पूर्विका? पूर्विका बेटा? पूर्विका? पूर्विका? बचाओ! पूर्विका? पूर्विका बेटा! रिशा, तुमने मेरी बच्ची को ऐसे ऊपर, तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खेल खत्म कर दूंगी। करो खेल खत्म। पूर्विका आओ, करो मेरा खेल खत्म। रघु, तुम तो मेरा खेल खत्म कर ही चुके हो। मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें प्यार किया,
जितने सपने देखे तो सब तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बच्ची प्रार्थना, जन्म तुमने दिया हो इस बच्ची को। प्यार मैंने दिया, पाल पोस कर बड़ा मैंने किया, इसकी माँ बनी, एक अच्छी जिंदगी दी, सिर्फ इस उम्मीद में एक दिन तुम आओगे और इस बच्ची के लिए मेरा प्यार, मेरी ममता सब देखोगे, मुझे समझोगे। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरे प्यार का मजाक बना के रख दिया रघु। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तो ठीक है, धोखे के बदले धोखा। मेरे दिल में तुम बसते थे, मेरी जान थी तुम में, तुमने वो जान मार दी। तुम दोनों की जान इस बच्ची में बसती है, मैं इसे मार दूंगी। त्रिशा देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो तुमने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तुम्हारे अंदर की ममता ऐसे मर कैसे सकती है? तुम बहुत गलत कर रही हो त्रिशा। गलत तो मेरे साथ हुआ है। पुरोहिका, मेरे कल का वार भूल गई हो तुम। भूल गई कल तुम्हारा क्या हश्र किया था? एक माँ की ममता के साथ खेलोगी, उसकी बच्ची को मारने की कोशिश करोगी। मारने वाले की कोई जगह नहीं हमारे घर में। आज मैं तुम्हें हमारे परिवार, हमारे प्यार, हमारी जिंदगी, हमारे घर से बाहर निकालती हूँ और दोबारा मुड़कर भाग फिर कभी मत आना, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगी ना जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। मैं ऐसा करने दूंगी तब ना। बस त्रिशा, बहुत कर लिए तुमने वार, अब खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे परिवार, मेरे पति या मेरी बच्चियों पर बुरी नजर डाली, वरना आज जहां मेरी बच्ची लटक रही थी ना, वहां तुम्हें लटका दूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, एक नागिन को धोखा दिया। जब नागिन प्यार करती है ना, टूट के करती है। जब नागिन नफरत करती है तो टूट के करती है। जब बदला लेती है तो टूट के लेती है। तुम्हें तुम्हारे धोखे की आज सजा मिलेगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसे कैसे मार दोगी? मार के तो देखो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं महक। वो नागिन जो मुझसे इतने ज्यादा कमजोर है, और ये इंसान, तुम दोनों मुझसे लड़ोगे, शायद तुम दोनों ये बोल रहे होंगे कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ इस दुनिया में। तुम दोनों तो सिर्फ कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने। कुचल दूंगी, मसल दूंगी। मसल के तो देखो। अच्छा, ये लो। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है महक, इस नागपाश में नागिनों की नागिन, शेष नागिन का जहर है। इस जहर से कैसे बचोगे तुम?
इस नागपाश को कैसे तोड़ोगी? बताओ। छोड़ो, मैं ही बताती हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। स्वर्णा, आज जो तूने किया है ना, भूलना मत, याद रखना, क्योंकि मैं वापस आऊंगी, और जब मैं वापस आऊंगी तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे मैं मार डालूंगी। अजय, तुम्हें चोट लगी है? रुको, मैं फर्स्ट एड लेके आती हूँ। तुम तो पुलिस वाले हो, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। तुम जानते नहीं, महक बहुत शक्तिशाली है। पता नहीं वो तुम्हारे साथ आज क्या कर देती अगर मैं समय पे नहीं आती तो। मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था कि नाग नागिन इतने हॉट, शार्प और स्मार्ट होते हैं, लेकिन ये आज अपनी आंखों से भी देख लिया। वैसे एक बात बोलूं, मुझे तो एक नागिन को डेट करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन अब तो ये एक नागिन ही बता सकती है उसे एक इंसान को डेट करने में कैसा लगेगा। त्रिशा, त्रिशा, ये क्या हुआ? इतनी चोटी कैसे लगी तुम्हें? आप मेरे माँ बाप हो ना, तो आप बताओ मुझे ये चोट कैसे लगी? और माँ, आप तो अपने आप को बहुत शक्तिशाली बोलती हो, मैं किसी से हारती नहीं, सिर्फ मारती हूँ, तो आप बताओ आपकी बेटी होके मैं हार कैसे गई? रघु और प्रार्थना से कैसे मार खा गई मैं? और पापा, आप तो अपने आप को मास्टरमाइंड बोलते हो ना, दिमाग तेज, बहुत तेज, फिर आपकी बेटी आज आपके सामने कमजोर हारी हुई क्यों खड़ी है? कमजोर नहीं है मेरी बेटी, कमजोर नहीं हो सकती। तेरी हालत रघु और प्रार्थना ने की, उन्होंने तुझे चोट पहुंचाई क्या? हा? ये चोट उन दोनों ने मुझे नहीं, आप दोनों को दी। ये हार मेरी नहीं, आप दोनों की हुई है। आप तो इतने ताकतवर है ना, थोड़ी ताकत मुझे दे दी होती, मुझे अपने जैसा क्यों नहीं बनाया? पता है, प्रार्थना ने आप दोनों को ललकारा है, वॉर्न किया है, चैलेंज किया है, कि उसको आप दोनों की कोई फिक्र नहीं। लानत है आप जैसे माँ बाप पे। माँ, आपको एक राय दूं, आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती हो ना, बोला बंद कर दो और घुंघरू पहन लो पैरों में, किसी सपेरे की बीन पे नाचिए जाके। त्रिशा, हाथ मेरे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपने जुबान को लगाम दे। हाँ, आज मुझे अपनी हद समझ आ गई है कि मैं एक मामूली सी नागिन हूँ जो किसी से भी मार खा सकती है, एक कमजोर नागिन और एक बुजदिल राक्षस की बेटी। नहीं है, तू नहीं है एक बुजदिल की बेटी। मेरी बेटी कमजोर नहीं हो सकती। क्या हुआ तुझे? हाँ, मुझे बता क्या हुआ तुझे, क्या हो, क्या गया है तुझे? आप दोनों को क्या हो गया है? आज मैं सच बोल रही हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? यही सच है माँ पापा, रघु और प्रार्थना आप दोनों से ज्यादा ताकतवर है, और वो आप दोनों को यूं हरा सकते हैं। हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता इस संसार में, हमें इतने कमजोर नहीं है, हम हार नहीं सकते किसी से। सुन बेटा, कुछ नहीं हुआ है तुझे, आज अगर उन्होंने तुझको हरा दिया तो क्या हुआ, कल है ना, कल हम लोग फिर से वार करेंगे, और इस बार हम लोग जीतेंगे। तेरे हर एक आंसू का बदला लूंगा मैं, उनकी कमजोरी को मैं अपनी ताकत बनाऊंगा। उस प्रथा और प्रार्थना की सिर्फ एक कमजोरी है, ये देश उनकी दिल और धड़कन है, और अब प्रोफेसर वार करेगा उनके दिल पर, और जब उनके दिल पर वार होगा ना तो अंदर से टूट जाएंगे, और जब वो अंदर से टूटेंगे उसके बाद मेरा वार होगा उनके देश पर, बर्बाद करके छोड़ूंगा उनके देश को और उन्हें। आपका प्लान रेडी है? तो कोई शक है प्रोफेसर पर? मेरा प्लान तैयार नहीं, मेरे सारे प्लान तैयार है, ये लाखों करोड़ों सपोले मैंने तैयार किए, और अपने मकसद को अंजाम देने के लिए ये हमारी मदद करेंगे। अब वो वक्त आया है जब हम अपना सबसे खतरनाक वार करेंगे, और कल ही करेंगे, कल। कल पार्लियामेंट में 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता
राजनेता, दिग्गज हस्तियां, सब लोग शामिल हो रहे हैं और कल तक हमारे ये छोटे छोटे रेंगने वाले सपोले वार के लिए बिल्कुल तैयार होंगे और उसके बाद ये आपस में जुड़ के महासपोलों का एक बॉम्ब तैयार करेंगे। अब पूरी रात इस बड़े बर्तन में रेंगने वाले ये खौफनाक सपोले आपस में मिलकर महासपोलों का एक बॉम्ब तैयार करेंगे, मतलब डर से भी डरावना बॉम्ब। और उसके बाद उस बॉम्ब को हम पार्लियामेंट में उस वक्त लगाएंगे जिस वक्त वो सारी दिग्गज हस्तियां वहां पर उपस्थित होंगी। What a great plan, Professor, you're too good. तो ये रात हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो प्रार्थना को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए। बहुत शातिर है वो हमेशा एंड मोमेंट पे आके हमारा प्लान जबर कर देती है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब उसका पाला प्रोफेसर से पड़ा है और उसको भटकाने का प्लान भी है मेरे पास। वक्त आ गया है उस प्रार्थना को उसके बाप से मिलवाने का। तो वही आदमी है जो उस दिन उन लोगों को सपनों के वार से बचा रहा था। ये आज भी अकेले इन लोगों की मदद कर रहा है। मैं भी मदद करती हूँ, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों की जान चली जाए। ठीक है बेटा, तू ठीक है ना? पापा, वो आप ही थे जो उस दिन उन लोगों को सपोलों के वार से बचा रहे थे। पापा, पर आप तो आप जिंदा है इसे? और अगर आप थे भी तो अब वापस लौट के मेरे पास क्यों नहीं आए? पापा, आप क्यों नहीं आए? पापा,
प्रार्थना आ गई तुम? हाँ मैं आ गई और मेरे पापा भी। याद है रघु, मैंने तुम्हें अपने पापा के बारे में बताया था, मेरे प्रोफेसर पापा, प्रोफेसर जीत पाटिल, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, जैसे कृष्ण जी के लिए यशोदा माँ है ना, वैसे ही मेरे लिए मेरे पापा हैं। तुमने तो कहा था कि तुमने खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया था। हाँ ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है, पर मेरे पापा वापस आ गए हैं ना, तो बस मैं बहुत खुश हूँ। पापा आप ठीक है? प्रार्थना तू सच में? प्रार्थना अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने है। पापा आपकी तो मौत, फिर जिंदगी वापस? तुझे लगा था कि मेरी मौत हो गई है। तुझे याद है जब मैं चिता पर था तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस बारिश से मेरी चिता की आग बुझ गई थी, याद है तुझे? हाँ याद है, मुझे चिता की आग बुझ गई थी इसलिए मैं और लकड़ियाँ लेने गई थी चिता दोबारा जलाने। और तेरे वापस आने से पहले वहाँ से एक महात्मा साधु गुजर रहे थे, उन्होंने मुझे उस चिता पर देखा, फिर मेरी चलती हुई सांस पर नजर गई उनकी और वो मुझे उस चिता से निकाल कर अपने मठ हिमालय पर ले गए। उन्होंने मेरी खूब सेवा की, कई साल मैं कोमा में रहा, जब होश में आया तो तुझे ढूंढने के लिए यहाँ आया, तेरी बहुत याद आई, तुझे पता भी नहीं है मैंने तुझे कितना ढूंढा, हर जगह हर कोने, फिर पता लगा कि तू सब कुछ छोड़कर धरती के नीचे समा गई है। हाँ पापा, माँ और ऋषभ पापा के मौत के बाद मैं धरती में समा गई थी, फिर किसी नेक दिल आदमी ने मुझे ढूंढा, खुद की जान खतरे में डाल के मुझे खतरे से बचाया, मेरी याददाश्त चली गई थी तो उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, प्रीति, फिर बस उन अनाथ बच्चों के साथ मैंने एक नई जिंदगी शुरू की, उन्हें ही अपना परिवार बना लिया। मेरे बहुत अपने छीन लिए गए हैं मुझसे, पर शिव जी ने आपको मुझे लौटा दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मेरी सारी तकलीफें, मेरे सारे दुख, सारे दर्द दूर हो जाएंगे, अब आप आ गए हैं ना पापा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा पापा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब कुछ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे आने से तेरे दर्द दूर नहीं होंगे, बल्कि तेरी जिंदगी एक दर्द बन के रह जाएगी। देखती जा प्रार्थना, तेरे साथ अब क्या क्या होता है। पूर्विका बेटा, ये तुम्हारे नाना हैं। ये मेरे नानू हैं। आप मुझे प्यार से प्रोफेसर भी कह सकती हैं, अगर आपको नानू बोलने का दिल ना हो तो। ओके डन। कल 18 मई है, वो दिन जिस दिन ऋषभ पापा को उनके देश और फौज के योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा, उनकी शहादत को सम्मानित किया जाएगा दिल्ली पार्लियामेंट में। तो तुम्हें उस समारोह में जाना चाहिए। पर पूर्विका का परवर कुछ नहीं, तेरे पापा को सम्मानित किया जाएगा और एक सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं होता, यू मस्ट गो। पापा सही कह रहे हैं, अगर ऋषभ पापा को सम्मान दे रहे हैं तो तुम्हें उस समारोह में जाना चाहिए। यस, अब कल का ये दिन मेरा बहुत काम आएगा, इसी दिन इस समारोह को मैं अपना हथियार बनाऊंगा और अपना मिशन पूरा करूंगा। हेलो, अगर ऐसी बात है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। प्रार्थना क्या हुआ, तू इतना टेंशन में क्यों लग रही है? पापा वो प्रशांत का कॉल आया था, वो कह रहा था कि दुश्मन हमारे देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। कहाँ रच रहे वो लोकेशन कुछ ही देर में भेज। लोकेशन मुझे पता है, सोर्सेस मेरे अब भी हैं। क्या? दिल्ली राजस्थान बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। पापा आपको पूरा विश्वास है? तुझे मुझ पे विश्वास है? तूने आज तक कभी किसी भी इंफॉर्मेशन पे मुझसे सवाल नहीं किया। नहीं पापा, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि वो प्रशांत का मैसेज अभी अभी आया है, वो कह रहा है कि दुश्मन कुछ करने वाला है उन्नति मैदान में, और आप कह रहे दिल्ली राजस्थान बॉर्डर, तो बस कंफर्म कर रही। बेटा तेरे पापा की इन्फॉर्मेशन ना तो कभी गलत हुई है और ना ही कभी होगी, बॉम्ब ब्लास्ट राजस्थान बॉर्डर पर ही होने वाला है। आई एम सॉरी पापा,
I'm sorry, मैंने आप पर सवाल उठाया, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं वही जाऊंगी जहां आप कह रहे हैं, दिल्ली राजस्थान बॉर्डर। जा प्रार्थना जा, तू बॉर्डर पे जाएगी पर वहां तुझे कोई धमाका नजर ही नहीं आएगा। जब तक धोखा खा के तू वहां से वापस आएगी, महक अपनी पहरेदारी में उन्नति मैदान में मां सपूरों का बॉम्ब बना चुकी होगी। और वो बॉम्ब जिस वक्त फटना मैंने लिखा है, उसी वक्त फटेगा। तू उसे नहीं रोक पाएगी। तू दुश्मन की राह ढूंढ रही है और देख मैंने कितनी आसानी से तुझे गुमराह कर दिया। अब वक्त आ गया कि इन जहरीले सुपोलों को एक साथ जोड़कर महाबम बनाने के लिए, और इस मिसाइल को मनाएंगे हम दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। ये महासुपोले एक साथ जुड़ के बम ब्लास्ट करेंगे। आओ सुपोलो, आओ मेरे जहरीले सुपोलो, मेरे पास आओ और एक साथ जुड़ जाओ, और एक साथ जुड़कर दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन जाओ। पापा ने तो कहा था कि दिल्ली राजस्थान बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा। पर पापा की इन्फॉर्मेशन कभी गलत भी तो नहीं हो सकती। अगर पापा ने कहा है तो यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होगा। प्रार्थना, कुछ पता चला? नहीं, हमने इस इलाके की एक एक जगह देख ली, कोना कोना छान लिया, पर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। हाँ प्रार्थना, मेरी पूरी टीम ने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा है, यहाँ तक कि सीसीटीवी की फुटेज भी देख ली है, लेकिन दूर दूर तक पूरा सन्नाटा है। मुझे लगता है इस बार तुम्हारे पापा की इन्फॉर्मेशन गलत है। नहीं, मेरे पापा की इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं हो सकती। पर प्रार्थना, यहाँ पे क्या है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। ये बात भी सही है, अगर सच में इस बार पापा की इन्फॉर्मेशन गलत हुई हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत की इन्फॉर्मेशन सही हो? मुझे उन्नति मैदान जाना होगा। प्रार्थना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। मेरे लिए तुम दोनों ने आज अपना पूरा का पूरा दिन दे दिया है। मैं अकेली जाऊंगी, तुम दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड करो, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, ठीक है? लेकिन प्रार्थना, लेकिन कुछ नहीं, तुम दोनों की जिंदगी में पहली बार प्यार आया है, इस एहसास को जियो। बस कुछ और वक्त और ये भयानक बम तैयार, फिर करेंगे हम दुनिया पे सबसे बड़ा बार। अब ये एक महासुपोला, इसके अंदर है 10,000 सुपोल का जहर और कहर भी, और ये कहर जाएगा इस मिसाइल के अंदर ब्लास्ट होगा। देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जब ये सपोलों का जहरीला बम
इस मिसाइल से फटेगा तो इस देश में कोई नहीं बचेगा, सबके सब खत्म हो जाएंगे, ये देश खत्म हो जाएगा। अब मैं देखते हूँ दुनिया की कौन सी ऐसी शक्ति है जो आएगी और इस मिसाइल को फटने से रोकेगी, क्योंकि ये मिसाइल तो फटेगा और ये बॉम्ब ब्लास्ट उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो प्रशांत की इन्फॉर्मेशन सही थी, मैं वहां बॉर्डर पे गई और मैं क्या उन्नति मैदान में जहरीला हथियार बना रही थी और उसने बना भी लिया। मुझे आने में देर हो गई है पर मैं ये मिसाइल फटने से रोकूंगी, मैं इसे रोकूंगी। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या लगा तुमको ये मिसाइल बनाकर तुम हमारे देश को तबाह करोगी? मैं तुम्हें हमारे देश को छूने तक नहीं दूंगा। लाइफ में पहली बार मेरी इंफॉर्मेशन गलत हुई है, इसकी वजह से मैंने प्रार्थना को कहीं और भेज दिया। आज अगर प्रार्थना यहां होती ना तो वो तुमको रोकती, अपने देश को बचाती। आज मेरी बेटी यहां नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने देश को बचाऊंगा, तुमसे अपने देश को बचाऊंगा। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे मारो, मारो मुझे, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, मारो मुझे। क्या बोल रहे हो तुम? मैं मुझे मारो। हे शिव जी, पापा तो यहाँ महक को रोकने आए, कहीं महक पापा के साथ कुछ गलत ना कर दे। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। बस मारो। समझी, लगता है प्रोफेसर ने प्रातः को यहां देख लिया था, इसलिए ये सारा नाटक किया। आप प्रार्थना की सौ पर पापा उसे उजागर रख देंगे और मैं आराम से इस देश को बर्बाद कर दूंगी। अब इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता।